हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया प्रत्येक वीडियो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। और यदि आपने इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो यह स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका या मस्का निबुलो हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी जो सर्वाधिक रोगों का प्रसारण करती है, इन्फेक्शन संक्रमण उत्पन्न करती है दूसरे व्यक्तियों में, एक रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में यह हाउस फ्लाई रोगों का प्रसारण करती है। एक एडल्ट हाउस फ्लाई जो इमैगो कहलाती है, यह एक बार के जनन काल में इस प्रकार के 100 से 120 अंडे देती है। ये अंडों को किसी भी गंदे स्थान पर कूड़े कचरे में गड्ढे बनाकर उसके अंदर ये ढक देती है। अंडों से शीघ्र ही इसका एक लार्वा निकलता है जिसको मैगाट लार्वा के नाम से जाना जाता है। यह इसका मैगाट लार्वा है जो 13 खंडों का होता है। इसका पतला पीछे वाला भाग इसका पोस्टेरियर रीजन है और ये आगे के वाला भाग इसका पतला, इसका मैंडिबुलर स्क्लेराइट है जो एंटेरियर रीजन है और पीछे का ये चौड़ा भाग है पोस्टेरियर स्पाइरिकल। और ये प्रत्येक भाग में आप देख रहे हैं कि स्पिनिफेरस पैड्स हैं। अब ये लार्वा का शीघ्र ही प्यूपेरियम, प्यूपा इससे बन जाता है। प्यूपा के ऊपर एक खोल होता है जिसे प्यूपेरियम कहते हैं। इसमें एंटेरियर स्पाइरिकल है, आगे की तरफ एंटेरियर रिमेनिंग पार्ट, पीछे की तरफ पोस्टेरियर स्पाइरिकल है, पोस्टेरियर रिमेनिंग पार्ट, ये इसका प्यूपा है। प्यूपा के ऊपर ये आवरण है प्यूपेरियम का। प्यूपा का तीव्र गति से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इसमें विंग रूडिमेंट्स, आई रूडिमेंट्स, आई एपेंडेजेज, ये सभी निर्मित हो जाते हैं और शीघ्र ही प्यूपेरियम से एक प्यूपा बाहर निकल जाता है। ये भी आप देख रहे हैं कि यह प्यूपेरियम का एक आउट ऑफ प्यूपेरियम एक इसमें से निकला हुआ यह प्यूपा की संरचना है। एक प्यूपे की संरचना के अंतर्गत सबसे ऊपर आप देख रहे हैं टीलिनम है, विंग रूडिमेंट्स हैं, आई रूडिमेंट है, माउथ पार्ट्स हैं, लेग्स हैं और नीचे की तरफ इसका एब्डोमेन दिख रहा है। तो यह है प्यूपा का डिसेक्टेड आउट ऑफ प्यूपेरियम, जो प्यूपेरियम से निकला हुआ एक प्यूपा और इस प्यूपा की यह विस्तृत संरचना है। शीघ्र ही इस प्यूपा से एक एडल्ट हाउस फ्लाई का निर्माण हो जाता है। तो यह स्टूडेंट एक घरेलू मक्खी के जीवन चक्र का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये वीडियो अवश्य आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स स्टूडेंट।